नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी पढ़ाकू में। और आज का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू एड्रेस द इवेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिट दिवस ऑन 16 नवंबर 2021। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑडिट दिवस हमने मनाया था 16 नवंबर 2021 को। तो उसके बारे में हम हाईलाइट जान लेते हैं। द इवेंट विल बी हेल्ड एट द कैग ऑफिस, और यहाँ पर आपको ऑकेशन पे PM will be unveil the statue of Sardar Vallabhbhai Patel. Now, हमें पता होना चाहिए what is the audit divas. First edition of the audit divas will be celebrated to mark the historic origin of the Institute of CAG and the contribution made by it to the governance, transparency and accountability. तो audit divas के बारे में पूछा जाए तो आप इस definition में भी use कर सकते हैं। First edition of the audit divas will be celebrated to mark the historic origin of the Institute of CAG and the contribution made by it to the governance, transparency and accountability. Now, Controller and Auditor General of India. इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। Controller and Auditor General is the constitutional authority in India. It was established in accordance with Article 148. अगर आपको कोई पूछे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किस आर्टिकल से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 148 आर्टिकल से जुड़े हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कैग इज एम्पावर्ड टू ऑडिट ऑल द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। द कैग इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट ओन कॉरपोरेशन। इट कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज वेयर गवर्नमेंट इज हैविंग एन इक्विटी शेयर ऑफ 51%। अगर गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी है जिसमें उनका 51% शेयर है, तो उनके सारे सप्लीमेंट्री ऑडिट करने का काम, अदरवाइज रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को ऑडिट करने का काम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं, वो भी आर्टिकल 148 के तहत। नाउ रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। रिपोर्ट्स ऑफ द कैग आर लेड बिफोर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। They are being taken up for discussion by Public Account Committee and Committee on Public Undertaking. तो ये जो कमेटी होती है उनके द्वारा इनको क्वेश्चन और डिस्कशन किया जाता है। Order of precedence. Now the Controller and Auditor General has been ranked at the 9th place in order of precedence. जब President first होता है तो उनकी rank से Controller and Auditor General 9th place पे होते हैं। It enjoys same status as the sitting judge of Supreme Court. Now, who is the current Controller and Auditor General? Currently, former Lieutenant General of Union Territory of Jammu and Kashmir, J.C. Murmu, is serving as the Controller and Auditor General of India. He is the 14th CAG of India. His tenure started in August 2020. अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।